अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साना फखर ऑफिशियल। आपकी अपनी कोच आपके सामने हाजिर है। वेल कोच मैं अब इसलिए कहना शुरू की बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते सिखाते मैं बहुत आगे तक जा चुकी हूँ। पता है आपको? नहीं पता, चले किसी दिन आपको बताऊँगी फिर ये बात भी। वेल आज मैंने जो वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है या जो डिज़ाइन की है वो ये है कि इट्स अ 5 मिनट वर्कआउट ऑल टुगेदर, नॉट मोर देन 5 मिनट, मगर हमने 3 सेट करने हैं। आप ये हफ्ते में 4 से 5 मरतबा करें, आई मीन 5 times अ वीक करें, एंड आई कैन बेट यू, इवन आई कैन गारंटी यू विद द बैलेंस्ड डाइट यू कैन लूज 6 pounds इन 2 weeks, 6 pounds इन 2 weeks। और वो लोग जो 6 pounds लूज करना चाहते हैं वो ये स्टार्ट करें वर्कआउट। इट्स वेरी सिंपल। एंड ये क्या करता है, ये इफेक्ट क्या, कहाँ किस एरिया को ज़्यादा करता है, ये आपके कोर को करता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ फ्लैट बेली, आपको अपना पेट अंदर करना है, क्योंकि मोस्टली होता ही है कि वैसे तो पेट की यानी कि कोर की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन समटाइम कुछ लोगों के लिए वो कंफर्टेबल होती है, कुछ लोग समझते हैं कि नो नो ये मैं नहीं कर सकती, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो आज जो मैंने डिज़ाइन किया ये आई एम श्योर कि इट्स डिफरेंट एंड इट्स ईजी एज वेल। तो आज का वर्कआउट शुरू करें। एंड द बेस्ट पार्ट इज मैंने आपको वर्कआउट करवाना है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस आपकी एनर्जी किल करता है। तो नो स्ट्रेस एट ऑल, आपने सिर्फ फॉलो करना है और आपने अपनी अपना टाइम मुझे देना है जैसे मैं अपना टाइम आपको दे रही हूँ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की अपना एक्सरसाइज। आपको ये बता दूँ कि ये जो मैंने चीज़ें पीछे रखी हुई ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक इसमें पानी है, पानी मुझे हाइड्रेट रखता है ड्यूरिंग माई वर्कआउट। एंड सेकेंडली ये जो वाटर बॉटल है इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी वर्कआउट में, तो आप रेडी हो जाएं। अगर आपके पास नहीं है या कोई वेट, लाइट वेट बट बैलेंस वेट होना चाहिए, वरना वाटर बॉटल इज द बेस्ट सॉल्यूशन। शुरू करते हैं। तो ये हम करेंगे फॉर 1 मिनट। अच्छा पहले तो हम वार्म अप कर लें थोड़ा सा, तो यू नो विल स्टार्ट फ्रॉम द जंपिंग जैक्स। थर्टी सेकेंड जंपिंग जैक्स आपको वार्म अप भी करेंगे। अगर आपको जंपिंग जैक्स मुश्किल लग रहे हो तो अपने हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, मगर यह है कि ये थोड़ा इंटेंसिटी से हो जाते हैं। राइट, हो गए 30 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, ओके 2, 30 सेकेंड फॉर सीजर लेग्स। तो गाइज ये वार्म अप भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा वार्म अप करके जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब मैं बात नहीं करूँगी, अब मैं आपसे बैठ के बात करूँगी बिकॉज मेरी एक्सरसाइज डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, हो गए 30 सेकेंड, बस थोड़ा सा और। 5, 4, 3, 2, 1, तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हाई नी विथ एल्बो टच। तो आपने अपनी पोजीशन यूँ करनी है, आपका सरफेस स्ट्रेट होना चाहिए जहाँ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप करें ऐसे, आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, एंड देन यू हैव टू टच द एल्बो एंड विद हाई नी फॉर 30 सेकेंड ईच साइड। टच नहीं होगी लेकिन ट्राई टू टच इट। ये आपकी लव हैंडल्स कोर को स्ट्रेट करेगा। अगर आप 2 वीक्स करते हैं विद अ बैलेंस्ड डाइट आप 6 pounds लूज करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, ओके 30 सेकेंड फॉर अदर साइड। साइड चेंज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Keep doing. 5, 4, 3, 2, and 1. Whew. Okay. Each exercise, उसके बाद आप थोड़ा सांस ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी दौड़ में नहीं है, ठीक है। ओके ये जो अब एक्सरसाइज करने वाली हूँ मैं आपको पोस्चर, इसका पोस्चर ठीक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर पोस्चर ठीक नहीं होगा तो उसका अफेक्ट उस
पार्ट पे नहीं होगा जहां आप चाह रहे हैं। बेसिकली इट्स फॉर कोर, इट्स फॉर योर लेग्स और आपके लव हैंडल्स। आपने सीधे खड़े होना है और आपने वन लेग स्ट्रेच करनी है, ईच साइड हमने 30 सेकंड करना है। ये आप देख रहे हैं पोजीशन मेरी, ठीक है? ऐसे करके ओके, टाइम स्टार्ट नाउ फॉर 30 सेकंड ईच साइड। कीप डूइंग, कीप मूविंग, बिकॉज वी आर अलाइव, वी आर नॉट डेड येट। एक्सरसाइज करने से आप यू फील मोर अलाइव, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ इन अ मोर यू नो लाइवली वे। 5, 4, 3, 2, 1 चेंज द साइड। ऑलराइट, ऐसे आपने स्ट्रेच करनी है, ये लेग आपकी स्ट्रेच होनी चाहिए, ये आपका आपका जो वेट है वो आपके घुटने पे नहीं होना चाहिए, आपके नी पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज नी पे आप ज़्यादा ऐसे करेंगे तो वो आपका नी डैमेज हो सकता है। तो आपने इसको स्ट्रेच कर रखना है एंड देन दिस एंड यस, टाइम स्टार्ट नाउ फॉर 30 सेकेंड। और ये वाकई बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, मैं बीच में बात नहीं कर पा रही बिकॉज इंटेंसिटी इतनी होती है कि आपको सांस चढ़ जाता है एंड देन यू कांट कंटिन्यू टॉकिंग, तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। 5, 4, 3, 2, 1 ऑल राइट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सहेल। अब हम करेंगे अगली एक्सरसाइज, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बाय द वे, देखने से ये लगता है शायद आप लेग्स की कर रहे हैं मगर ये कोर की एक्सरसाइज है। मैं ये 1 मिनट करूंगी बिकॉज मैं दोनों साइड कर रही हूँ, वरना ईच साइड 30 सेकंड आप कर सकते हैं, राइट? एंड इट्स वेरी गुड फॉर कोर। ओके, कीप डूइंग, कीप डूइंग, वी ऑलमोस्ट देयर, वी ऑलमोस्ट देयर। मेरी ट्रेनर मुझे ऐसे कहती थी तो मुझे याद होगी वो बात, वी ऑलमोस्ट देयर, वी ऑलमोस्ट देयर। वेल एनीवे, कीप मूविंग, टच योर फीट टू द हैंड और ये आपकी, इट्स गुड फॉर योर लव हैंडल, योर लोअर एब्डोमिनल और आपके कोर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है विद द बैलेंस डाइट। ऑलराइट, 1 मिनट होने वाले हैं, बस थोड़ा से रह गए। 5, 4, 3, 2, 1 ओके, दिस इज फॉर द, ये जो साइड्स होते हैं आपके लव हैंडल्स एंड इन साइड्स, इसके लिए। ऑलराइट, स्टार्ट करें, ये हम करेंगे 30 सेकंड ईच साइड। थ्रो, थ्रो, पुल एंड थ्रो, 30 सेकंड, पुल एंड थ्रो, पुल एंड थ्रो, ये पुल एंड ये थ्रो, पुल एंड थ्रो। ऑलराइट, ईच साइड 30 सेकंड, ईच साइड 30 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1 साइड चेंज, थ्रो, 30 सेकंड, वी ऑलमोस्ट देयर, वी ऑलमोस्ट देयर। ये आपकी सारी जो साइड्स हैं उसको कम भी करेंगे और आपके लव हैंडल्स बिल्कुल खत्म कर देंगे। ऑलराइट, वी ऑलमोस्ट देयर, ओनली फॉर 30 सेकंड एंड हमने ये 3 सेट करने इसके, सो 5, 4, 3, 2, 1 ओके। अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड रेस्ट फॉर 30 सेकंड और फिर हम उसे रिपीट करेंगे। आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, तो मैं बैठ के कर रही हूँ। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, ये ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करता है और आपका जो स्टेमिना है उसको बिल्ड करता है। साथ ही मैं ये बता दूँ, मैंने जैसे अपनी वीडियो के शुरू में बोला आपको कि आप इससे 6 पाउंड तक वेट लूज कर सकते हैं ओनली इन 2 वीक्स विद अ बैलेंस्ड डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने खाना पीना छोड़ दें,
आपको यू हैव टू ईट, लेकिन ईट राइट, आपको अच्छा खाना है। इनफैक्ट मैं आपको बल्कि ये शेयर करूँगी कि जितने मौसमी सब्जियाँ और फ्रूट्स होते हैं ना, आपको ज़रूर खाने चाहिए, बिकॉज़ ये कुदरत की तरफ से आपके लिए जो नेचुरल विटामिंस हैं वो आपको मिलते हैं, जो आपको मौसम के हिसाब से बैलेंस रखते हैं और आपको स्ट्रेंथ देते हैं ओवरऑल व्हाइल यू नो योर वर्कआउट परफॉर्मेंस। आपने ये सेट 3 दफ़ा रिपीट करना है। जी फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और दुआ करती हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट जस्ट बॉडी शेपिंग, इनफैक्ट ये आपके माइंड ओवरऑल उस पर असर करती है। और हम लोग जितने भी लोग जो वेट लॉस जर्नी को शुरू करते हैं या दे आर गोइंग थ्रू विद दैट जर्नी, आई नो दे डीलिंग विद लॉट ऑफ इमोशनल स्टफ एज वेल। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करें, और नॉट ओनली बॉडीली, आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करेगी आपकी एक्सरसाइज। और जैसे कि मैंने बताया था कि 6 पाउंड आप लूज कर सकते हैं ओनली इन 2 वीक्स विद बैलेंस डाइट। आपने खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने खाना है, बट मेक श्योर कि यू ईट राइट। ऑलराइट, सो एवरीवन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अपनी अच्छी चीज़ जो आप सीखते हैं या जानते हैं आगे पास ऑन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, आप सोचते हो कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज व्हाई, बिकॉज द जर्नी आई हैव गॉन थ्रू, आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आप लोगों की जर्नी को थोड़ा आसान बना सकूँ, वट एवर आई हैव लर्न ओवर द टाइम। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। और इसी तरह ख्याल रखिएगा अपना और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।